बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू इजी क्लास बाय आमिर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्यूचर टेंसेस। इससे पहले हम प्रेजेंट टेंसेस और पास्ट टेंसेस भी कर चुके हैं, जिनकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपको वो वीडियोज़ देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक्स पर क्लिक कर आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। फ्यूचर टेंसेस प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस की तरह फ्यूचर टेंसेस भी फोर टाइप्स के होते हैं। नंबर वन सिंपल फ्यूचर, या इसे फ्यूचर इनडेफिनेट भी कहते हैं। फ्यूचर प्रोग्रेसिव, या इसे फ्यूचर कंटिन्यूस भी कहा जाता है। नंबर थ्री फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। जी तो सबसे पहले हमारे पास सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस है। तो सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस क्या होता है? द सिंपल फ्यूचर टेंस इज़ यूज फॉर एन एक्शन दैट विल अकर इन द फ्यूचर। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर जो टेंस होता है वो किसी ऐसे एक्शन या किसी ऐसे काम को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मुस्तकबिल में यानी आने वाले वक्त में वक़ूअ पज़ीर होगा। अभी हुआ नहीं है, ना ही हो रहा है, बल्कि होगा। उर्दू में हमें कैसा पता चलेगा कि कोई जुमला जो है वो फ्यूचर इनडेफिनेट का है? तो उसके लिए हम आखिरी वर्ड देखेंगे। उर्दू के जिन जुमलों के लास्ट में गा, गी और गे वगैरह के अल्फाज आ रहे होते हैं वो सेंटेंसेस फ्यूचर इनडेफिनेट या सिंपल फ्यूचर के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर मैं कहूँ कि मैं नाश्ता करने के बाद खेलूँगा, अब्बू आज दफ्तर जाएँगे, रज़िया आज कपड़े नहीं धोएगी, हमज़ा स्कूल जाएगा, तो ये सभी सेंटेंसेस के लास्ट में अगर हम देखें तो गा की या गे वगैरह के वर्ड आ रहे हैं, तो जिनसे पता चलता है कि ये सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इन डेफिनेट टेंस के हैं। फ्यूचर इन डेफिनेट टेंस के रूल्स की बात करें तो रूल नंबर वन है यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। रूल नंबर टू है यूज़ शल विद आई एंड वी। इसका मतलब ये है कि हमें अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा या वी होगा तो हमें शल एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है आई और वी के साथ। रूल नंबर थ्री है यूज़ विल विद ऑल अदर सब्जेक्ट्स, और बकिया के जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो ही होगा या शी हो या इट हो या दे हो, उन सब के साथ विल यूज़ करेंगे। द फ्यूचर टेंस इज़ फॉर्म्ड। अब फ्यूचर टेंस की फॉर्मेशन कैसे की जाती है, इसके सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे होती है? अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो इम्पेरेटिव यानी सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल या शल आता है एज ए हेल्पिंग वर्ब। विल आपको पता है, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, आई या वी के साथ आएगा, और शल बकिया के जो तमाम सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट, दे, यू वगैरह या किसी शख्स का नाम हो उन सब के साथ शल विल आएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट वर्ब हम इसमें यूज़ करते हैं यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लास्ट में। ओके तो हमारे पास सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के। सिंपल सेंटेंसेस यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किस तरह से होंगे? तो सेंटेंस नंबर वन है आई शल प्ले आफ्टर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करने के बाद खेलूँगा। आई के साथ शल यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। रूल नंबर सेंटेंस नंबर टू है आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा या मैं अपनी ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ आई के साथ विल यूज़ किया है, ऊपर हमने शल यूज़ किया है। तो डियर व्यूअर यहाँ एक बात याद रखिएगा कि हम आई और वी के साथ शल के बजाय विल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ उसी सूरत में होगा जब हमें कोई काम लाजमी करना होगा या हम किसी काम पर स्ट्रेस दे रहे होंगे, जोर दे रहे होंगे, लाजमी तौर पर कुछ काम करना होगा, तो हम शल की जगह विल यूज़ करेंगे, जो शो कर रहा है कि आप वो काम लाजमी करेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस नंबर थ्री है वी शल वॉक ऑन फूट, हम पैदल चलेंगे। सेंटेंस नंबर फोर है वी विल प्रिपेयर आवर लेसन, यहाँ विल के साथ अगेन जिस तरह के आई के साथ विल यूज़ किया था यहाँ वी के साथ भी एक बार विल यूज़ हुआ है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम जो है हमारा काम लाजमी तौर पर शो हो रहा है कि हम लाजमी तौर पर अपना लेसन तैयार करेंगे। यहाँ वी शल प्रिपेयर आवर लेसन भी हो सकता था, लेकिन फिर उसमें जो है एक काम अगर हम लाजमी तौर पर नहीं कह रहे तो उस वक्त हम शल यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमें कोई काम लाजमी तौर पर करना है उस वक्त हम विल यूज़ कर सकते हैं आई और वी के साथ। सेंटेंस नंबर फाइव है यू विल कम टू क्लब, तुम क्लब आओगे। सेंटेंस नंबर सिक्स सूसन विल गो टू जर्मनी, सूसन जर्मनी जाएगी। सेंटेंस नंबर सेवन है शी विल ज्वाइन ऑफिस सूनर, वो जल्द ही ऑफिस ज्वाइन कर लेगी।
नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस यू नो वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम इनकार कर रहे होते हैं किसी बात से, इनकार किया जा रहा होता है। तो सेंटेंस नंबर वन है, आई शैल नॉट प्ले आफ्टर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करने के बाद नहीं खेलूँगा। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिंपली हमें विल या शैल के बाद नॉट यूज़ कर लेना है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का। सेंटेंस नंबर टू है, ही विल नॉट कम टू सी अस टुडे, वो हम आज हमें मिलने नहीं आएगा। सेंटेंस नंबर थ्री है, वी शैल नॉट वॉक ऑन फूट, हम पैदल नहीं चलेंगे। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें बनाने का तरीका सिंपल है, हमें जो है सिर्फ विल या शैल के बाद नॉट लगाना है। आपको जस्ट ये याद रखना है कि नॉट लगाना कहाँ पर है, तो ये याद रखिए विल या शैल के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब आएगा और उसके बाद रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हमारा विल या शल है, जो हेल्पिंग वर्ब है, ये स्टार्ट में आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब एंड देन रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस नंबर वन है, शल आई प्ले आफ्टर ब्रेकफास्ट, क्या मैं नाश्ता करने के बाद खेलूँगा। सेंटेंस नंबर टू, विल यू नॉट डू योर बेस्ट, क्या तुम अपनी पूरी कोशिश नहीं करोगे। सेंटेंस नंबर थ्री, शल वी नॉट वॉक ऑन फूट, क्या हम पैदल नहीं चलेंगे। सेंटेंस नंबर फोर, हाउ शैल वी प्रिपेयर आवर लेसन, हम अपना सबक कैसे प्रिपेयर करेंगे। सेंटेंस नंबर फाइव, वाई विल यू नॉट कम टू क्लब, तुम क्लब क्यों नहीं आओगे। सेंटेंस नंबर सिक्स, विल सूसन नॉट गो टू जर्मनी, क्या सूसन जर्मनी नहीं जाएगी। सेंटेंस नंबर सेवन, व्हेन विल रजा जॉइन ऑफिस, रजा कब ऑफिस ज्वाइन करेगा। तो ये थे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो रिव्यूअर्स, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको एक बात याद रखनी है, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर फोर है, हाउ शैल वी प्रिपेयर आवर लेसन, तो ऐसे सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड होगा यानी हाउ या वाई या वैन वगैरह होगा, वो जुमले के स्टार्ट में आता है, सबसे पहले वो लिखते हैं, देन हम हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लिखेंगे, देन उसके बाद वी यूज़ यानी कि सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, देन वर्ब एंड देन रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑब्जेक्ट अगर हो या जो भी। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव क्या होता है, द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस इज़ यूज्ड फॉर एन ऑनगोइंग एक्शन, ये किसी जारी एक्शन या किसी मुसलसल जारी काम को जाहिर कर रहा है, दैट विल ऑकर इन द फ्यूचर, जो मुस्तकबिल में भी ये होता रहेगा या होगा, वो जारी होगा और मुस्तकबिल में होगा। उर्दू में कैसे पता चलेगा कोई सेंटेंस जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस का है, तो उसके लिए हम लास्ट वर्ड्स देखेंगे सेंटेंस के, अगर जिन जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह के अल्फाज आ रहे होते हैं, वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं कल इस वक्त लाहौर जा रहा होऊंगा, या अज़र अपनी असाइनमेंट लिख रहा होगा, रज़िया कपड़े धो रही होगी वगैरह, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के होते हैं। रूल्स देखिए, रूल नंबर वन, यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, तो इसमें जो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की वो फॉर्म होती है जिसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आगे आईएनजी लगा होता है, फॉर एग्जांपल कमिंग, गोइंग, गो से गोइंग, या अर्निंग, शोइंग वगैरह। रूल नंबर टू है, यूज़ शल शल बी विद आई एंड वी, अगर सब्जेक्ट आई और वी होगा तो शल बी एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। रूल नंबर थ्री, यूज़ विल बी विद ऑल अदर सब्जेक्ट्स, और बकाया के तमाम सब्जेक्ट्स लाइक ही, शी, इट, दे, यू वगैरह, इन सब के साथ विल बी यूज़ होगा। फॉर्मिंग द फ्यूचर कंटिन्यूस, अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की स्ट्रक्चर किस तरह से होगी, अगर इम्पेरेटिव या सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन विल बी या शल बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, आई और वी के साथ शल बी यूज़ किया जाता है, जबकि बकाया के तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल बी, एंड देन इन द लास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी हम यूज़ करते हैं। अगर हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो सेंटेंस नंबर वन है, दिस टाइम टुमारो आई शैल बी सिटिंग ऑन द बीच इन सिंगापुर, कल इस वक्त मैं सिंगापुर बीच पर बैठा होऊंगा। सेंटेंस नंबर टू है, आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट, मेरा ख्याल है कि जब हम शुरू करेंगे या कोई काम हम शुरू करेंगे, इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी। तो सेंटेंस को जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है, इट विल बी रेनिंग, ये फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस है। सेंटेंस नंबर थ्री, आई विल बी स्टेइंग हेयर
टिल संडे, मैं यहाँ इतवार तक रह रहा हूँगा या रहूँगा। सेंटेंस नंबर फोर है, द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून, पोस्टमैन ये डाकिया जल्द ही आ रहा होगा। सेंटेंस नंबर फाइव, सारा विल सिंग अ सॉन्ग, सारा एक सॉन्ग गाएगी। ये फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस नहीं है, सॉरी ये गलती से ऐड हो गया, इसको आप जो है नेगलेक्ट कीजिएगा। सेंटेंस इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस क्या हैं फ्यूचर कंटिन्यूस के, ये वो सेंटेंसेस हैं जिसमें हम नॉट का यूज़ करते हैं, यानी कि इनकार का इजहार होता है। तो ये कैसे बनाएंगे, ये सिंपली हम विल या शल के बाद, विल बी या शल बी सॉरी विल या शल के बाद हमें जो है नॉट का यूज़ करना है, और नॉट के बाद बी और उसके बाद जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ करेंगे, देन रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ब सेंटेंस। सेंटेंस नंबर वन है, इट विल नॉट बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट, जब हम शुरू करेंगे तो बारिश नहीं हो रही होगी। सेंटेंस नंबर टू, आई विल नॉट बी स्टेइंग हेयर टिल संडे, मैं यहाँ इतवार तक नहीं रह रहा हूँगा, ये लाजमी तौर पर कहा गया, इसलिए आई के साथ विल नॉट भी यूज़ किया गया, अदरवाइज आई के और वी के साथ शल नॉट भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम विल यूज़ करते हैं तो ये गलत ना होगा, ये जस्ट ये शो करता है कि आप वो काम लाजमी तौर पर करेंगे। द सेंटेंस नंबर थ्री है, द पोस्टमैन विल नॉट बी कमिंग सून, पोस्टमैन जल्द ही नहीं आ रहा होगा। जी नेक्स्ट है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है इनको बनाने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, जो विल या शल है वो हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, देन बी एंड देन प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस नंबर वन है, शल आई बी सिटिंग ऑन द बीच इन सिंगापुर टुमारो, क्या कल मैं इस वक्त सिंगापुर बीच पर बैठा होऊंगा। सेंटेंस नंबर टू, विल इट नॉट बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट, जब हम शुरू करेंगे तो क्या बारिश नहीं हो रही होगी। सेंटेंस नंबर थ्री है, आई विल बी स्टेइंग हेयर टिल संडे, मैं यहाँ संडे तक रह रहा होऊंगा, या आई शल बी स्टेइंग हेयर टिल संडे, दोनों ही ठीक हैं। अगर विल इस्तेमाल करते हैं तो हम कहेंगे कि हम लाजमी तौर पर वो काम करेंगे या एक्शन लाजमी तौर पर होगा, अगर शल यूज़ करते हैं तो वो भी ठीक है उस, लेकिन उसमें क्या है, हम कोई काम लाजमी तौर पर होने को जाहिर नहीं कर रहे होते। सेंटेंस नंबर फोर है, विल पोस्टमैन नॉट बी कमिंग सून, क्या पोस्टमैन जल्द ही नहीं आ रहा होगा। जी तो नेक्स्ट हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल बी कम्प्लीटेड बाई अ सर्टन फ्यूचर टाइम, तो ये एक ऐसे एक्शन के बारे में बात करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि मुस्तकबिल में यानी आने वाले वक्त में एक किसी खास टाइम पर मुकम्मल हो चुका होगा या होगा। उर्दू का जिन जुमलों के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे वगैरह के अल्फाज आ रहे होते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। फॉर एग्जांपल, अजहर अपना काम कर चुका होगा, अबू लाहौर जा चुके होंगे, अम्मी खाना बना चुकी होंगी वगैरह जो अल्फाज हैं ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जाहिर कर रहे होते हैं। रूल देखिए, रूल नंबर वन यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, रूल नंबर टू यूज़ विल हैव, तो इसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं और विल हैव यूज़ किया जाता है एज ए हेल्पिंग वर्ब, इसमें सब्जेक्ट कोई भी हो, ही शी इट हो, आई हो, वी हो, दे हो, उन सब के साथ विल हैव ही यूज़ होगा, इसके अलावा कोई वर्ब यूज़ नहीं होता। जबकि पिछले टेंस में हमने देखा फ्यूचर कंटिन्यूस में तो शल बी और विल बी दो मुख्तलिफ तरह के हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे थे, जबकि फ्यूचर परफेक्ट में आपने याद रखना है कि सब्जेक्ट कोई भी हो जस्ट विल हैव ही यूज़ होगा। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इम्पेरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट देन विल हैव यूज़ करना है हमें, देन उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल जिसे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को ही हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो सेंटेंस नंबर वन है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में से, सेंटेंस नंबर वन, आई शैल हैव रिटन माय एक्सरसाइज बाय देन, तब तक मैं अपनी एक्सरसाइज लिख चुका होऊंगा। सेंटेंस नंबर टू है, ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम, तुम इससे मिलने जाओ इससे पहले वो जा चुका होगा।
सेंटेंस नंबर थ्री, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव वर्कड हेयर फॉर 5 ईयर्स, इस महीने के अख्ताम तक मैं यहाँ 5 साल तक काम कर चुका होऊंगा। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि उसे यहाँ काम करते हुए 5 साल हो जाएंगे। कब? बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के आखिर तक। सेंटेंस नंबर फोर है, वी शैल हैव कम्प्लीटेड माई आवर असाइनमेंट बाय 3 o'clock, हम अपनी असाइनमेंट 3 बजे तक मुकम्मल कर लेंगे। सेंटेंस नंबर फाइव है, साइमन विल हैव वॉक्ड ओवर 10,000 miles, साइमन जो है 10,000 miles तक पैदल चल चुका होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इसमें जस्ट हमें क्या करना है, शैल या विल के बाद नॉट यूज़ करना है, देन उसके बाद हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और देन रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस नंबर टू को देखिए, आई शैल नॉट हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाय देन, मैं अपनी एक्सरसाइज तब तक नहीं लिख चुका होऊंगा। सेंटेंस नंबर थ्री है, ही विल नॉट हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम, जब तक तुम उसे देखने जाओगे वो वापस नहीं जा चुका होगा। तो इसी तरह से जो है बाकी के सेंटेंसेस को भी एक नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर के मैंने जस्ट टू ही किए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको जस्ट ये याद रखना है कि शल या विल के बाद आपको नॉट का यूज़ करना है, देन जो हैव एंड एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड देन पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आपको बस ये रखना कि आपने नोट कब यूज़ करना है किस जगह पर, ये जानना आपके लिए और पता होना आपको ज़रूरी है। इसी तरह अगर हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में से सेंटेंस नंबर थ्री को देखें, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव वर्क हेयर फॉर 5 ईयर्स, इसको अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो ये इस तरह से होगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल नॉट हैव वर्क हेयर फॉर 5 ईयर्स। इसी तरह सेंटेंस नंबर फोर को भी हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, वी शैल हैव कम्प्लीटेड माई असाइनमेंट 3 o'clock, तो इसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, वी शैल नॉट हैव कम्प्लीटेड माई असाइनमेंट बाय 3 o'clock, हम मेरी असाइनमेंट 3 बजे तक कम्प्लीट नहीं कर चुके होंगे। सेंटेंस नंबर फाइव, साइमन विल हैव वॉक्ड ओवर 10,000 miles, तो इसको हम नेगेटिव में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, साइमन विल नॉट हैव वॉक्ड ओवर 10,000 miles, साइमन 10,000 miles तक पैदल नहीं चल चुका होगा। जी तो नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें जो है विल या शैल है उसको सेंटेंस के स्टार्ट में ले आना है, उसके बाद सब्जेक्ट, देन हैव एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस नंबर वन देखिए, शैल आई हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाय देन, क्या मैं अपनी असाइनमेंट तब तक लिख चुका हूँ, आई एम सॉरी एक्सरसाइज है, क्या मैं अपनी एक्सरसाइज तब तक लिख चुका हूँगा। सेंटेंस नंबर टू है, विल अली हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम, क्या अली जा चुका होगा इससे पहले कि तुम उसे मिलने जाओ। सेंटेंस नंबर थ्री है, विल यू हैव वर्क हेयर फॉर 5 ईयर्स, क्या तुम यहाँ 5 साल तक काम कर चुके होगे। सेंटेंस नंबर फोर, शल वी हैव कम्प्लीटेड माई असाइनमेंट बाय 3 o'clock, क्या हम हमारी असाइनमेंट है वो 3 बजे तक कम्प्लीट कर लेंगे। सेंटेंस नंबर फाइव है, विल साइमन हैव वॉक्ड ओवर 10,000 miles, क्या साइमन 10,000 miles तक पैदल चल चुका होगा। जी तो नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। तो ये टेंस क्या होता है, द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज्ड फॉर एन ऑनगोइंग एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड एट सम स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। तो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बस एक ऐसा टेंस होता है जो कि किसी जारी काम को शो कर रहा होता है, जो कि मुस्तकबिल में किसी खास टाइम पर कंप्लीट होगा या होता रहा होगा। आई एम सॉरी, नोटिफिकेशन आ रहे हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल देखिए इस टेंस की, जॉन 1 घंटे से केक बनाता रहा। तो एग्जांपल देखिए, जॉन 1 घंटे से केक बनाता रहा होगा। तो उर्दू के जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ता रहा होगा, ती रही होगी या ते रहे होंगे वगैरह के अल्फाज आ रहे होते हैं, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव परफेक्ट प्रोग्रेसिव के टेंसेस होते हैं। रूल्स इस टेंस के सिंपल हैं, जस्ट आप जो है
स्ट्रक्चर पर फोकस कीजिए इंपरेटिव स्ट्रक्चर में, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और विल हैव एज अ सॉरी विल हैव बीन एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है विद ऑल द सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हमें यूज़ करना है, वो आई हो या वी हो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो विल हैव बीन ही यूज़ करना है। और देन इन द लास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी हमें यूज़ करना है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि फर्स्ट वर्ब प्लस आई एन जी वाली फॉर्म जो होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, फॉर एग्जांपल गोइंग कमिंग अर्निंग एट्सेट्रा। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस देखिए, सेंटेंस नंबर वन है बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 4 ईयर्स, कि अगले मार्च तक हम यहाँ पर 4 सालों के लिए रह रहे होंगे, ये 4 साल तक रहते रहे होंगे। ये सेंटेंस बहुत ही कॉमन है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के जो टेंसेज हैं डियर व्यूअर्स, ये बहुत ही लेस कॉमन होते हैं, इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इनको कर लेते हैं। सेंटेंस नंबर 3 है, सॉरी सेंटेंस नंबर 2, आई विल हैव बीन ड्राइविंग सिंस 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 6 बजे से ड्राइविंग करता रहा होऊंगा। सेंटेंस नंबर 3 को देखिए, आई विल हैव बिन प्लेइंग पोकर सिंस 1997, मैं 1997 से पोकर खेलता रहा हूँगा, ये एक टाइप की गेम है, ये आप देख लीजिएगा डिक्शनरी में। सेंटेंस नंबर 4 है, दे विल हैव बिन लिविंग विदाउट प्रॉपर फूड फॉर 2 वीक्स, वो 2 हफ्तों तक बकायदा खुराक के बिना रहते रहे होंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें जस्ट विल नॉट जो है विल ही के बाद नॉट का यूज़ करना है, देन रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। तो एग्जांपल देखिए, दे विल नॉट हैव बीन लिविंग विदाउट प्रॉपर फूड फॉर 2 वीक्स, वो 2 हफ्तों तक बगैर बकायदा खुराक के रहते रहे होंगे। इसी तरह आप ऊपर वाले सेंटेंसेस को भी नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट आपको विल के बाद नॉट यूज़ करना है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने जस्ट एक ही एग्जांपल ली है, अगर आप करना चाहें तो ऊपर के सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट आपको विल के बाद नॉट यूज़ करना है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो है हम विल जो हमारा है विल हैव जो हमारा यहाँ हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएगा, लेकिन उसके बाद विल हैव के बाद सब्जेक्ट आएगा देन बीन आएगा, ये आप ख्याल रखिएगा कि विल हैव देन सब्जेक्ट एंड देन बीन, और उसके बाद जो है पार्टिसिपल आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड देन रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 1 देखिए, विल हैव वी बीन लिविंग हेयर फॉर 4 ईयर्स बाय नेक्स्ट मार्च, नेक्स्ट मार्च तक हम यहाँ पर क्या हम यहाँ पर 4 सालों तक रह चुके होंगे। तो डियर व्यूअर यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट रखनी है कि विल हैव और बीन के दरमियान में सब्जेक्ट यहाँ हमने यूज़ करना है इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव सेंटेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो बीन है और विल हैव और बीन के दरमियान में सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। सेंटेंस नंबर 2 है, विल हैव आई बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स नेक्स्ट जुलाई तक या अगले जुलाई तक, क्या मैं यहाँ जो है 20 सालों तक यहाँ पर टीचिंग करता रहा हूँगा। सेंटेंस नंबर 3, विल हैव अली एंड उमर बीन प्लेइंग पोकर फॉर 30 ईयर्स बाय देन, क्या अली और उमर तब तक 30 सालों तक पोकर खेलते रहे होंगे। सेंटेंस नंबर 4 है, विल हैव दे बीन लिविंग विदाउट प्रॉपर फूड फॉर 2 वीक्स, क्या वो 2 हफ्तों तक बकायदा खुराक के बिना रहते रहे होंगे। तो इसी के साथ हमारे वीडियो कंप्लीट हुई, हम 4 सेंटेंसेस कर चुके हैं। डियर व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई कुछ समझ आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताइएगा, अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको वो चीज़ बहुत ज़रूर जो है एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।